नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। अजय देवगन और काजोल की शादी को करीब 18 साल होने चले हैं। ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और अच्छी जोड़ी में से मानी जाती है। काजोल ने अपने बॉलीवुड करियर के 25 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी के दूसरे दिन से काजोल अपने पति अजय देवगन की डांट खाती आ रही हैं? नहीं ना, तो आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों काजोल अपने पति की हर दिन डांट खाती हैं। दरअसल बॉलीवुड की सबसे चुलबुली और हसमुख एक्ट्रेस काजोल का कहना है कि कोई पार्टी हो या इवेंट, वो जो फील करती हैं या उनको सही और सच लगता है बेझिझक वो सामने वाले के मुंह पर ही कह देती हैं, जिसके कारण वो कई बार अपने पति अजय देवगन की डांट खा चुकी हैं। काजोल के मुताबिक उनकी इसी आदत की वजह से कई बार अजय देवगन ने उन्हें डांटा भी है और ऐसा ना करने की सलाह भी दी है, लेकिन काजोल कहती हैं, मैं व्यापार को कभी इतना गंभीरता से नहीं लेती। हालांकि इसकी वजह से कई बार अजय देवगन को इस आदत से नुकसान पहुंचा है। अजय कहते हैं कि बातों को घुमा फिरा कर कहना सीखो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तीखी बातों को भी इतने नॉर्मल तरीके बोल देती हूँ कि सामने वाले को बुरा नहीं लगता। मेरे लिए व्यवहारिक होना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं अपना बोला हुआ झूठ भूल जाती हूँ। काजोल इस बात को लेकर अपने आप को खुशकिस्मत मानती हैं और कहती हैं कि कड़वी से कड़वी बात करने के बाद भी उन्हें माफ कर दिया जाता है। जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड की सबसे बुरी बात क्या लगती है उन्हें, तो वो कहती हैं कि मुझे एयरपोर्ट लुक से नफरत है। कोई हमेशा परफेक्ट लगे ये बकवास है। मैं हमेशा परफेक्ट लिपस्टिक के साथ हील में नहीं चल सकती। लंबे सफर के बाद हर कोई थका हुआ होता है और नॉर्मल लगता है, ये ठीक है।